हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्या एस एकेडमी पटना। ये सेशन हम बिहार बीपीएससी जो 68th पीटी होने वाली है उसके लिए रन कर रहे हैं, जिसमें हम बिहार से जुड़े करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे एपिसोड्स अपलोड भी कर चुके हैं। इस सेशन में हम अगेन बिहार से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है उसे हम डिस्कस करेंगे और फैक्चुअली इसे हम डिस्कस करेंगे, ताकि जो बीपीएससी जो पीटी का पैटर्न है कि वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं, इस वो हमसे मिस ना हो। चूंकि नेगेटिव मार्किंग है तो हमें बहुत ज्यादा फैक्चुअली करेक्ट होने की जरूरत है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। रिसेंटली बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑपरेशन चलाया जा रहा था, ऑपरेशन शैडो। वह एक एंटी नक्सल ऑपरेशन था, जो नक्सलिज्म है उसे कंबाट करने के लिए मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशन शैडो चलाया जा रहा था, एंटी नक्सल ऑपरेशन। यह जो ऑपरेशन है सीआरपीएफ के द्वारा रन किया गया था कि नक्सलिज्म को कंबाट किया जा सके, उसे कम किया जा सके इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुंगेर। रैंक ऑफ बिहार इन टोटल मशरूम प्रोडक्शन, रिसेंटली बिहार को फर्स्ट रैंक दिया गया है इन मशरूम प्रोडक्शन, कि इंडिया में जितना भी मशरूम का प्रोडक्शन होता है उसका 10% प्रोडक्शन सिर्फ बिहार में होता है। अप्रॉक्स 28,000 टन मशरूम का प्रोडक्शन बिहार में हर साल होता है एनुअली। तो मतलब जितना भी इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है उसमें अगर फर्स्ट स्टेट की बात किया जाए तो फर्स्ट रैंक बिहार को दिया गया मशरूम प्रोडक्शन में। कितना परसेंट प्रोडक्शन होता है टोटल इंडिया का, तो 10%। कितना टन? 28,000 टन मशरूम का प्रोडक्शन होता है। रिसेंटली अगेन रैंक ऑफ बिहार इन एनुअल फिश प्रोडक्शन, जो एनुअल फिश प्रोडक्शन है उसमें 2022 में जो रैंक दिया गया है बिहार को वह 4th रैंक है। मतलब फिश प्रोडक्शन के टर्म में अगर हम बात करें तो बिहार का 4th रैंक है। अगर हम अदर स्टेट्स की बात करें तो फर्स्ट रैंक पे आंध्र प्रदेश है, सेकेंड पे वेस्ट बंगाल और थर्ड पे उत्तर प्रदेश है। अगर हम 2022 की बात करें तो उस 2022 के जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें बिहार में लगभग 220 लाख टन फिश का प्रोडक्शन हुआ था और बिहार को 4th रैंक पे रखा गया था। नेक्स्ट वन, फर्स्ट ऑक्सीजन पार्क। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज में बनाया जाएगा और यह गोपालगंज के जो थावे फॉरेस्ट रीजन है, थावे फॉरेस्ट रीजन जो है वहां पे बिहार स्टेट का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। फर्स्ट रैंक इन बिहार इन जल जीवन मिशन, जो बिहार का जो जल जीवन मिशन है उसमें बिहार के अरवल डिस्ट्रिक्ट को पहला रैंक दिया गया है, क्योंकि अरवल डिस्ट्रिक्ट जो है वह सक्सेसफुल हुआ है हर घर में नल जल पहुंचाने में। इसीलिए जल जीवन मिशन के तहत बिहार के अरवल जिला को पहला रैंक दिया गया है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर है। बिहार के जो फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर थे मंजरी जरुआर, उनका एक बुक रिलीज हुआ है मैडम सर, जिसमें स्टोरी है बिहार के पहले वुमेन आईपीएस ऑफिसर मंजरी जरुहार का। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है कि मैडम सर किसके लाइफ पे बेस्ड है, तो वह बिहार के फर्स्ट वुमेन आईपीएस मंजरी जरुहार की लाइफ स्टोरी पे यह बेस्ड है मैडम सर। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये इस बुक को आप सभी लोग पढ़े, चूंकि आप लोग सिविल सर्वेंट है, एस्पिरेंट है, तो आपको यह बुक जरूर पढ़नी चाहिए। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी इसमें दिया गया है। रिसेंटली अगेन फशाई, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट आया है, 4th स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स रिलीज किया गया है, उसमें बिहार का जो रैंक है वह 16th है। मतलब फूड सेफ्टी इंडेक्स फशाई के 4th फूड सेफ्टी इंडेक्स में बिहार का जो रैंक है वह 4th रैंक दिया गया है, सॉरी 16th रैंक दिया गया 4th रिपोर्ट में। रैंक ऑफ बिहार इन स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में बिहार को 11th रैंक पे दिया गया है, रखा गया है। स्कॉच जो हर साल
एक रिपोर्ट निकालती है जिसमें डिफरेंट स्टेट्स के गवर्नेंस के अकॉर्डिंग उन्हें रैंक दिया जाता है, जो 2021 में बिहार को स्कॉच के अकॉर्डिंग 11th रैंक पे रखा गया है इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने एक ऐप लॉन्च किया है, फिलो ऐप। अब इस फिलो ऐप का जो मेजर एम है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को स्कूल एजुकेशन में प्रमोट किया जाए ऑन प्रायोरिटी बेसिस, स्पेशली फ्रॉम क्लास 9th to 12th, कि क्लास 9th से लेकर 12th के बीच में जो स्कूल एजुकेशन है उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए, इसलिए यह फिलो ऐप लॉन्च किया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है ऐसा कि फिलो ऐप जो लॉन्च किया गया है डिजिटल टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, वह किस क्लास से किस क्लास तक का इसमें मैट्रिक्स डाले जाएंगे, तो 9th to 12th क्लास है। रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि बिहार में जो भी ट्री है, पेड़ है, जो 50 साल से अधिक उसका एज है, उसे हेरिटेज ट्री घोषित किया जाएगा। तो वैसा कोई भी ट्री जो 50 ईयर से अधिक एज का है, 50 सालों से अधिक वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसे बिहार गवर्नमेंट उसे हेरिटेज ट्री के रूप में डिक्लेयर करेगी और उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। रैंक ऑफ बिहार इन इंडिया स्किल्स 2021, इंडिया स्किल्स 2021 में अगर बिहार के रैंक की बात करें तो यह 6th रैंक है। इंडिया स्किल्स एक नेशनल लेवल जो कंपटीशन होता है उसमें जो स्किल डेवलपमेंट में रैंक दिया जाता है हर एक स्टेट को, उसमें बिहार का रैंक है 6th रैंक। नेक्स्ट, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कैंपेन चला रही थी आजादी से अंत्योदय तक, आजादी से अंत्योदय तक, जो 75वीं वर्षगांठ थी हमारी स्वतंत्रता की, उसी के तहत ये आजादी से अंत्योदय तक एक कैंपेन चल रहा था। उसमें बिहार के 4 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया है, ये है कटिहार, भोजपुर, नवादा और सीतामढ़ी। इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्हें इसमें उनके जो कंट्रीब्यूशन था फ्रीडम मूवमेंट में उसे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो बिहार से याद रखिएगा कि आजादी से अंत्योदय तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कैंपेन चल रहा था उसमें बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया था, 4 डिस्ट्रिक्ट को, कौन कौन, तो कटिहार, भोजपुर, नवादा और सीतामढ़ी। रैंक ऑफ बिहार इन वेजिटेबल प्रोडक्शन 3rd रैंक, बिहार का वेजिटेबल प्रोडक्शन में अगर रैंक पूछा जाए तो 3rd रैंक है। कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट, हमारे पूरे कंट्री का, इंडिया का पहला ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट बिहार के पूर्णिया में डेवलप हुआ। और चूंकि आपको यह भी बता दें कि बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जिसने, फर्स्ट स्टेट है जिसने इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी को ऑप्ट किया था। और अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया में फर्स्ट ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट कहां पर ओपन किया गया है, तो बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में यह ओपन हुआ है। अब बात करते हैं, फसाई ने एक अगेन रिपोर्ट रिलीज किया है जिसमें बिहार के बेऊर जेल, जो कि पटना में पड़ता है आपका, वहां बेऊर जेल को A+ ग्रेड दिया गया है फसाई के द्वारा, FSSAI के द्वारा बिहार के बेऊर जेल को A+ ग्रेड दिया गया है। अगेन नेक्स्ट वन, रिसेंटली 23 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैव बीन डिक्लेयर्ड स्मोक फ्री। गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने बिहार के 23 डिस्ट्रिक्ट को स्मोक फ्री घोषित किया है। नेक्स्ट, रिसेंटली एक मैथिली राइटर है तारानंद बियोगी, ये मैथिली राइटर और पोएट भी है, उन्हें रिसेंटली नागा अर्जुन स्मृति सम्मान 2022 कंफर्ड करने की बात कही गई है। उन्होंने मैथिली के क्षेत्र में, जो मैथिली लैंग्वेज में है, उसमें बहुत सारे अच्छे वर्क्स किए हैं, बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किया है इन द फील्ड ऑफ पोएट्री और राइटिंग, दैट्स वाई उन्हें नागा अर्जुन स्मृति सम्मान अवार्ड 2022 से सम्मानित करने की बात कही गई है। नेक्स्ट, रिसेंटली फर्स्ट वुमेन जज, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि फर्स्ट वुमेन जज ऑफ पटना हाईकोर्ट इंदु प्रभा सिंह, उनका देहांत हुआ है रिसेंटली, जो पटना हाईकोर्ट है हमारा, उनकी फर्स्ट महिला जज, उनका देहांत हुआ है। और ये इंदु प्रकाश सिंह जो है
वो पटना हाई कोर्ट की जज बनी थी 1990 में, 1990 में वो पटना हाई कोर्ट की जज बनी थी, 2007 में ये रिटायर कर गई थी और रिसेंटली इनका देहांत हो गया था। तो ये याद रखे कि इंदु प्रभा सिंह पटना हाई कोर्ट की फर्स्ट वुमेन जज थी। नेक्स्ट वन, डॉक्टर एस एन सिन्हा हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। बिहार यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस के जो फर्स्ट वाइस चांसलर हैं वो डॉक्टर एस एन सिन्हा हैं, जिन्हें रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। संजीव कुमार झा ऑफ मोतिहारी, जो संजीव कुमार झा हैं जो कि मोतिहारी से बिलोंग करते हैं, उन्हें रिसेंटली उनकी एक मराठी फिल्म थी सुम्मी, उसके लिए 68th नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था फॉर बेस्ट चिल्ड्रेंस सिनेमा। चिल्ड्रेन सिनेमा में बेस्ट सिनेमा होने के लिए उन्हें 68th नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये सुमी जो है यह मराठी फिल्म है, मराठी फिल्म है, और ये संजीव कुमार के द्वारा डायरेक्ट किया गया था और ये बिहार के मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। सो ये था हमारा आज का बिहार से रिलेटेड जो करंट अफेयर है, उसमें हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया है, फैक्चुअली कवर करने की कोशिश की है हमने, ताकि आपसे फैक्चुअली कोई भी एरर ना हो आपके बीपीएससी के पीटी के एग्जाम में, ताकि आप नेगेटिव मार्किंग से बच सके। हम और कुछ सेशन बचे हुए हैं जो बिहार के करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे, जल्दी हम उन्हें अभी अपलोड करेंगे, ताकि आपका बिहार से रिलेटेड जो करंट अफेयर हुए हैं, करंट इवेंट्स हुए हैं विद इन वन ईयर, उससे आप रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ना छूटे। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि कैसा आपको ये लगा सेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।